हेलो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है हमारी वो है हाउ टू क्रिएट अ सिंपल टेबल फॉर रिजल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर काम करेंगे, जिसका यूज हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए लेते हैं। ओके, सो इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और जिसमें एक सिंपल टेबल बनाएंगे जो एक रिजल्ट के लिए यूज में ली जाएगी। ओके, सो बिना टाइम बर्बाद के स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर ले चलता हूं। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर आ गए हम लोग, और इसे जैसा कि सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो भी हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वर्जन जो है 2007 है, तो मैंने इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को ओपन कर लिया है। ओके, ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उसमें आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि एक ब्लैंक डेटाबेस है। तो हम लोग किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए फर्स्टली क्रिएट ऑन ब्लैंक डेटाबेस, तो मैं इस ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। और क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर, मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, और क्लिक करते ही सबसे पहले उसका जो मेरे से क्वेश्चन होगा वो होगा फाइल नेम, कि वो फाइल नेम क्या है जिस फाइल के नेम से मैं डेटाबेस को सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो फाइल नेम है वो उसका डेटाबेस का नेम होगा जिस डेटाबेस के नाम से मैं यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। तो मैं एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर उनकी मार्कशीट या उनके मार्क्स को स्टोर करना चाहता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर फाइल नेम नोट किया, देन मेरे पास यहाँ पर जो एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक क्रिएट नाम का एक ऑप्शन है, तो मैं इस क्रिएट पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक मैंने किया, और क्लिक करते ही देखिए एक पैनल खुल के आ गया जिसमें मेरे पास यहाँ पर ये एक टेबल क्रिएट हो गई है जो टेबल वन नाम से है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है टेबल वन नाम से एक टेबल क्रिएट हो गई है। तो सबसे पहले, और देखिए एक चीज और हमें यहाँ दिख रही है, ये जो व्यू है हमारा वो डेटा शीट व्यू है। कौन सा व्यू है? डेटा शीट व्यू। देखिए यहाँ पर शीट स्टाइल में हमारे सामने ये पूरा एक शीट स्टाइल में, यहाँ पर देखिए ये पूरा शीट स्टाइल में हमारे सामने ओपन है। ओके, तो इसलिए हम लोग इसे डेटा शीट व्यू कहते हैं। देन अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक अपनी टेबल बनाने के लिए। तो देखिए टेबल जब भी मुझे क्रिएट करनी है तो फर्स्टली क्लिक ऑन व्यू एंड देन डिजाइन व्यू। सो यहाँ पर हम लोग व्यू जो है टू टाइप से व्यू यूज में लेते हैं। एक तो डिजाइन व्यू, देखिए मेरे पास यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन दिया है, मैं इसमें क्लिक करूंगा और देन दो तरह के व्यू मुझे यहाँ दिखेंगे, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। तो अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है तो सबसे पहले मुझे क्लिक करना होगा डिजाइन व्यू पे। ओके, तो मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करता हूं, और सबसे पहले डिजाइन व्यू पे क्लिक करने से पहले वो मेरे से उस टेबल का नाम पूछेगा जिस नाम से मैं अपनी टेबल को सेव करूंगा। तो वो डेटाबेस था, इसलिए मैंने स्टूडेंट नाम का डेटाबेस लिया था। सेम मैंने यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल नाम से टेबल लिया है। मैं यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हूँ या स्पेस नहीं दे सकता हूँ, यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। अगर मेरे को केवल स्टूडेंट रखना है तो मैं केवल स्टूडेंट नाम से भी चला लूंगा। तो स्टूडेंट टेबल नाम पे क्लिक करते ही देखिए मेरे पास यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट टेबल नाम की टेबल क्रिएट हो गई, जिसके अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड फील्ड एक गिवन है जिसका नाम है आईडी। तो मैं यहाँ पर आईडी की जगह एक सीरियल नंबर ले लेता हूं जो मेरा यूनिकली डिफाइंड मैं चाहूं तो कर सकता हूं, जिसे हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इससे प्राइमरी की, देखिए यहाँ पर जो लगी हुई है ये प्राइमरी की है, मैं इस प्राइमरी की को यहाँ से, सॉरी मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, ये यहाँ नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्राइमरी की को हटा दूंगा,
क्योंकि प्राइमरी के लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैंने यहां पर लिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है जिससे मैं यहां पर प्राइमरी की बनाने जा रहा हूं, और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं नंबर से सेव करूंगा, सेम सीरियल नंबर को भी मैं नंबर से ही, या हम लोग इसे ऑटो नंबर से भी रन देते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्रिएट हो जाएगा, और हम यहाँ पर नंबर से भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन एक फील्ड और, जैसे मेरे पास नेम है जो देखिए जो मेरे पास टेक्स्ट नाम से होगा, अब वो सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल साइंस, ठीक है, जिसका टाइप जो है नंबर होगा। ये डेटा टाइप्स हैं जिसके थ्रू हमारे डिफाइन होते हैं कि किस टाइप का डेटा हमारा सेव किया जाएगा। देन मैथ्स अगेन नंबर, ओके, एंड और सब्जेक्ट मैं ले लेता हूं, मैंने इंग्लिश ले लिया, ठीक है, जिसमें फिर भी मेरे पास नंबर ही डेटा टाइप रहेगा। देन इंग्लिश के बाद फिजिक्स हो, मैं साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और मैं एक हिंदी और ले लेता हूं सब्जेक्ट, तो मैंने ये भी नंबर लिया क्योंकि ये नंबर सेव होंगे। एंड देन यहां पर मेरा टोटल, ठीक है, जो खुद अपने आप में एक नंबर है, देन टोटल को मैंने यहाँ पे नंबर लिखा। नंबर लिखने के बाद मैंने एक और फील्ड लिया जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज फील्ड को मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ले रखा, ओके। तो मेरे पास यहाँ पर पूरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, एक टेबल क्रिएट हो गई है। अब हम लोग इसका डेटा फिल करेंगे इसमें, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे जाना होगा डेटा शीट व्यू में, ओके। तो हम जैसे ही डेटा शीट व्यू में जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले वो कराएगा सेव। डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ? यस। यस करते ही वो मुझे अपने उस डेटाबेस पे पहुंचा देगा जहां पर मुझे अपनी डेटा की एंट्री करनी है, ओके। तो हम यस पे क्लिक करते हैं। देखिए मेरे सामने ये व्यू आ गया है। अब मैं इस व्यू के अंदर अपना डेटा से एंट्री करूंगा। जैसे देखिए मेरे पास मैंने कुछ डेटा डाला, 1 रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने माना 1260 ले लिया, एंड देन नेम इज मैंने ले लिया राम, और मैंने उसके अंदर की वैल्यूज जो हैं फिल कर दी। माना मैंने कोई एक वैल्यू ले ली 59, एंड दूसरे सब्जेक्ट में 59 है इसके, तीसरे में 75, अगले में 76, एंड द टोटल इज 269, एंड जो परसेंटेज है वो 67.25 मेरी इसमें आए। तो ऐसे करके मैं सभी की वैल्यूज को फिल कर लूंगा और उस तरीके से एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा जो मेरे पास उस स्टूडेंट की रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पर कुछ डेटा में एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि हम लोग समझ जाएं कि किस तरह से हमारा ये व्यू हमें यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो मैंने कुछ डेटा यहाँ पर इस तरह से फिल किया है, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कुछ डेटा फिल करके, जिससे कि उसका व्यू हमारे सामने एक बार हमें क्लियर हो जाएगा और हम उस व्यू से क्लियरली समझ पाएंगे कि हाँ ये हमारा किस तरह का व्यू हमें यहाँ पर शो होने वाला है टेबल के अंदर। तो मैंने कुछ एक डेटा यहाँ पर शो कर रहा हूं, जिस डेटा की वैल्यू मैंने कुछ भी एक मार्क्स के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर, ओके। सो वैल्यूज एक मार्कशीट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ली जा रही है, तो एक नॉर्मल वैल्यूज है ये मेरी, ओके। तो मैंने इस तरह से 5 का डेटा, मैं एक 6 का डेटा और रख लेता हूँ इसमें, तो वैल्यू है मेरे पास 1265, और मैंने यहाँ पर एक ओके, तो इस तरह का डेटा है जो मेरे पास यहाँ शो हो रहा है।
तो इस तरह से हम लोग अपनी टेबल बना लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से हम अपने व्यू को देख लेते हैं। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार टेबल क्रिएट कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और इजीली आप इस फाइल को इस क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो इसका प्रिंट व्यू एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पर गया, देन यहाँ पर प्रिंट के अंदर ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू में मेरे सामने इस तरीके का प्रीव्यू यहाँ पर दिखेगा, जिसके अंदर एक स्टूडेंट की एक लिस्ट बन गई। अब मैं अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लूंगा। देखिए जैसे मेरे पास ये पूरा डिजाइन इस तरह से दिख रही है यहाँ पर। ओके, तो मैं इसे इस तरह से यूज में ले लूंगा। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे अच्छी तरह से आप बना पाएंगे। ओके, थैंक यू।